हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने की घटना के बाद हालात गंभीर है। यहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है और भारतीय सेना को भी इसमें लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सीएम ने अपने मंत्रियों को कई निर्देश दिए हैं। बादल फटने के बाद से कई घर जमींदोज हो गए हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें और जेसीबी के सहारे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेंसर की मदद से भी लोगों को तलाशने की मुहिम जारी है। जिन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है वहां पर बेले ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। सेना ब्रिज के निर्माण कार्यों में जुटी है। सीएम सुक्खू ने मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के आदेश दिए हैं। शुरू से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस के जवान और ऑफिसर्स और होमगार्ड और फायर के भी लगे हुए हैं। सभी मिलके कर रहे हैं और 47 पीपल आर स्टिल मिसिंग। बाकी डेड बॉडीज कुछ निकाली गई हैं, स्टैंडर्ड लोग निकाले गए हैं, अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारी जानकारी से। क्योंकि जहां पर मेजर थ्रस्ट हुआ था वहाँ पर कल हमने शाम को मैंने एसपी साहब ने और बाकी हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं A to Z, हमने बड़ी डिटेल मीटिंग्स की अलॉन्ग विद हमारी जितनी भी फोर्सेज हमारे साथ काम कर रहे हैं इस ऑपरेशन में। तो आज के लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी सुबह मॉर्निंग में कि कैसे हम काम करेंगे, और उसमें आज हमने आपने देखा ही है कि हैवी मशीनरी उसमें जो हमने आज इस्तेमाल में लाई है। तो अभी सुबह से हम लोग भी अपने एक्चुअली साथ ही थे, क्योंकि चैलेंजेस आपने देखा यहाँ के थोड़ा एक टेम्परेरी इधर उधर आने जाने के लिए आज एक जो है वो टेम्परेरी पुल बनाया है, वो भी बिजली के खंभों को जोड़ करके, क्योंकि उसका स्पैन थोड़ा लंबा था, दोनों को जोड़ करके। और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी हमें काफ़ी DFO साहब ने काफ़ी अच्छा उसमें इंपॉर्टेंट रोल किया बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ। और फौज ने भी एक एक्स्ट्रा ब्रिज जो है वो टेम्परेरी जो है वो स्विंगिंग ब्रिज बनाया है उसके बीच में। तो आज थोड़ी मूवमेंट आपने देखा कि बढ़ गई है उस तरफ की तरफ ना। आज टेक्निकली तो जिला शिमला में ऑपरेशन जो आज हमने पहले दिन किया, क्योंकि हम भी आज नदी के उस पार भी आज ही जा पाए थे उसमें। तो काफ़ी जगह में जैसे फॉर डॉग्स वगैरह को भी इस्तेमाल किया गया।